सो जय माता दी ट्रैवलर्स, मधुर अगेन। सो अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा प्लान कर रहे हैं या कटरा में स्टे देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे कटरा में ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके डॉर्मेट्री से लेके 3-star, 4-star, 5-star, बट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा होटल चाहिए ये आप चूज़ कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज रिसेंटली मैं वैष्णो देवी होके आया हूँ। मैं हर साल जाता हूँ, हम वो होटल्स देखते हैं जहाँ पे हमें अर्ली चेक इन मिल सके। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लार्क्स इन, जो कि कटरा में है। सो वेरियस एस्पेक्ट्स इस होटल के जो हैं, लोकेशन से लेके आपका फूड क्वालिटी, कितना प्राइस आया, ये सब इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। कटरा के अंदर जो रिक्वायरमेंट है होटल की, वो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं चाहिए होता। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हम मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock कटरा पहुँचते हैं। मॉर्निंग में 1 to 2 hours चाहिए होते हैं फ्रेशन अप होके अपनी यात्रा शुरू करने से पहले, और बाय इवनिंग तक हम वापस आ जाते हैं यात्रा करके, तो ओवरनाइट स्टे के लिए चाहिए। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली ये पहली चीज़ मेरे को अर्ली चेक इन चाहिए होता है, बिकॉज मैं अभी तक अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 to 6 AM कटरा पहुंच जाता हूं। सिंस लास्ट 15 साल से हम जा रहे हैं तो इसी अराउंड पे पहुंचते हैं। तो अर्ली चेक इन या लेट चेकआउट मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। कंफर्टेबल स्टे होना चाहिए एंड फूड ओके होना चाहिए, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं बहुत ज़्यादा वेराइटी से, बट क्वालिटी ऑफ फूड सही होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग, ये बहुत ज़्यादा ऑब्नॉक्शियसली हाई प्राइस पे नहीं होना चाहिए। तो इन सब पैरामीटर्स में देखते हुए मैं होटल चूज़ करता हूँ। सो इस टाइम पे हम होटल क्लार्क इन में रुके थे, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। सो मेरे हिसाब से क्लार्क इन इज़ अ डिसेंट होटल, एंड क्यों, आइए हम बात करते हैं। सो क्लार्क इन की जो लोकेशन है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आप कह सकते हैं कि प्लेस है। कटरा बस स्टैंड, आपका निहारिका भवन, RFID सेंटर, रेलवे स्टेशन, ये सारे 4 to 5 minutes के दूर पे हैं। अगर आप जम्मू से भी आ रहे हैं तो ये कटरा एंट्री के अंदर आपको ये होटल मिल जाता है। जैसे ही आप कटरा के अंदर एंटर करते हैं तो ये आपको होटल मिल जाएगा। आसपास ये होटल काफ़ी रिप्यूटेड जो ड्राई फ्रूट शॉप्स कह लें या आपके जितने भी प्रसाद काउंटर्स हैं उन सब से सराउंडेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। ये होटल एनीवेज हमें इनोवा में पिक एंड ड्रॉप देता है, बाणगंगा से, ताराकोटे मार्ग से, हेलीपैड से, रेलवे स्टेशन से, तो इन सब जगहों से आप पिक एंड ड्रॉप ये मिल जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैं अगर रूम्स एंड एमिनिटीज़ की बात करता हूँ तो यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल इन दिस प्रॉपर्टी। चाहे आपको कुछ घंटों के लिए रूम चाहिए या आपको 2 to 3 days के लिए भी रूम चाहिए, आई सजेस्ट रूम्स आर क्वाइट कम्फर्टेबल हेयर। एमिनिटीज़ जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो सारी हैं आपको, फ्रॉम टेलीविजन टिल आपका जो नॉर्मल हॉट वाटर, कोल्ड वाटर चाहिए, हाइजीन आपका पूरा मेंटेन्ड है। सो हमारा जो रूम कैटेगरी था वो स्टैंडर्ड था, कॉस्ट की मैं आगे बताऊंगा, बट जो स्टैंडर्ड जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हमें सारी चीज़ें मिली थी। हम लोग 7 लोग गए थे और हमारे को 3 rooms हमने लिए थे, तो 2 double occupancy वाले थे और 1 triple occupancy वाला। इससे ज़्यादा लग्जरी की ज़रूरत कटरा के अंदर नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपका बजट ज़्यादा है तो आप बाकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। लाइक आपका लेमन ट्री आ चुका है, मैरियट खुलने वाला है, सो आप बजट में एक लग्जरी सा ऑप्शन देख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हेयर इज़ यहाँ पे फुल सर्विस स्पा है, तो डेफिनेटली जब आप इतनी चढ़ाई करके आते हैं, 24-25 kilometers आप चल के आते हैं, तो आपको डेफिनेटली रिलैक्सेशन के लिए चाहिए। तो इनका स्पा इवनिंग में 8 बजे तक खुला होता है। इनफैक्ट कटरा में जितने भी स्पाज हैं वो 8-9 बजे से ज़्यादा नहीं खुले होते, तो अगर आपको यहाँ होटल में मैसेज चाहिए तो आपको अपना प्लान उस हिसाब से करना पड़ेगा। अदरवाइज आप बाहर जो मालिश वाले घूमते हैं आप उनको यहाँ पे होटल में कॉल करके आप मालिश ले सकते हैं। किसी भी जर्नी में मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फूड का, तो फूड की क्वालिटी एंड क्वान्टिटी दोनों मैटर करती है। तो यहाँ पर मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा फूड के लिए, चाहे वो इनका बुफे ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो इन रूम डाइनिंग हो, फूड क्वालिटी वॉज गुड। इसके बुफे स्प्रेड को देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो एक बेसिक होटल के अंदर एक बुफे में होती हैं, चाहे वो पराठे हो, चाहे वो पूड़ी आलू हो। तो आई वांट से कि यहाँ पे 5-star होटल जैसा आपको लेविश स्प्रेड मिलेगा बुफे के लिए, बट जो 6-8 आइटम इन्होंने रखी हैं दोज़ वर रियली गुड, सफाइस थी हमारे लिए।
इनका जो रेस्टोरेंट एरिया है वो लॉन के साथ कनेक्टेड है, सो जस्ट इमेजिन आप अगर विंटर्स में यहाँ पे हैं एंड आपको बाहर धूप में बैठ के लंच लेना है या मील करना है, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है यहाँ पे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये प्रॉपर्टी आपको 4,000 से लेके 5,000 रुपये में मिल जाएगी। सो अगर डिपेंड करता है आप किस सीज़न में हैं, कब बुक कर रहे हैं, कितने टाइम पहले कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ऑनलाइन रेट्स आपको 4,000 से 5,000 में मिल जाएंगे, बट ऑनलाइन में आपको अर्ली चेक इन नहीं मिलेगा। तो अगर आप अर्ली चेक इन देख रहे हैं विच इज़ सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, आपको ये होटल कॉल करना पड़ेगा, उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा एंड देन होटल माइट प्रोवाइड इट टू यू। सो माई रिकमेंडेशन इज अगर आप कटरा के अंदर बजट लग्जरी टाइप प्रॉपर्टीज देख रहे हैं देन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन विच यू कैन एक्सप्लोर। अगर आप किसी और प्रॉपर्टी में जाके रुकते हैं और वहाँ पे भी आपको ये सारी एमिनिटीज सिमिलर एमिनिटीज मिलती हैं या अर्ली चेक इन चेकआउट मिलता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे बताएं सो दैट मैं भी उसको एक्सपीरियंस कर सकूं। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू गिव इट अ थम्स अप। आपके एक लाइक से मुझे लगेगा कि येस डेफिनेटली यू नो मैंने कोई वैल्यू ऐड किया विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू जय माता दी फ्रॉम योर साइड। उतना एफर्ट्स मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप कमेंट में जय माता दी लिखेंगे बट एक लाइक ज़रूर दीजिए मेरे को। अगर आपने किसी को ट्रैवलर के साथ अपना वैष्णो देवी का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें, इट विल कीप मी मोटिवेटेड एनफ टू यू नो क्रिएट सिमिलर वीडियोज़ इन फ्यूचर ऑल्सो। सो दिस इज़ मधुर साइनिंग ऑफ, टिल दैट टाइम जय माता दी।